आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 5 इंडियन बेस गेम जो कि पूरी तरह से एंसेंट इंडिया पे आधारित है, जिसमें आपको एंसेंट फॉरेस्ट रिवर प्लेसेस और स्टोरी लाइन काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। तो हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो यार लेट गेट स्टार्टेड। नंबर 1, अनचार्टेड द लॉस्ट लेगेसी। इस गेम में आपको पौराणिक कथा देखने को मिलेगी, जिसमें परशुराम और गणेश जी की कथा पे आधारित है ये गेम। इस गेम की स्टोरी लाइन ये है कि गणेश जी परशुराम भगवान को शिव जी से मिलने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से परशुराम क्रोधित होते हैं और अपनी कुड़ाली से प्रहार कर देते हैं, जिनकी वजह से गणेश जी का दंत टूट जाता है। ये गेम गणेश जी के दंत पे ही आधारित है और पूरा गेम दंत पे ही है। और इस गेम में आपको तमिलनाडु इंडिया में आना होगा और गणेश जी के दंत को ढूंढना होगा, जो कि तमिलनाडु के मंदिर के नीचे दबा हुआ है। और आपको गेम में माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट आदि अनेक प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और बात करें ग्राफिक्स की तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है और स्टोरी लाइन भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस गेम को बनाने वाले ने इंडिया को बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट किया है। नंबर 2, असेसेंट क्रिक क्रॉनिक इंडिया। ये गेम पूरी तरह से पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जिसमें आपको एक कैरेक्टर मिलेगा जिसका नाम है अरबाज मीर, जो कि अपने ट्रू लव को बचाना चाहता है और कोहिनूर हीरे को जो कि चोरी हुआ है वापस लाना चाहता है। इस गेम के अंदर आपको भारत में सर्वाइव करना होगा और साथ ही आपको इस गेम में भारत के बहुत पुरानी लोकेशन देखने को मिलेगी और साथ ही आपको पूरा इंडिया कल्चर देखने को मिलेगा। ऐसा आपको किसी और गेम में देखने को नहीं मिलेगा जो कि इस गेम में है। नंबर 3, प्रिंस ऑफ पर्सिया। इस गेम में प्रिंस ऑफ पर्सिया और उसके फादर की आर्मी इंडिया आते हैं ताकि वे सुल्तान आज़ाद से मिल पाए। उसके बाद प्रिंस ऑफ पर्सिया को एक लोकेशन वाली जगह जहाँ पे महाराजा का महल रहता है, वहाँ पे ड्रैगन ऑफ टाइम मिलता है जो कि गलती से उससे दब जाता है और वहाँ की जनता मॉन्स्टर में बदल जाती है। और प्रिंस को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस गलती को सुधारने के लिए इंडिया में ही रुक जाता है। और आपको इस गेम में बहुत सारे पजल देखने को मिलेंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा और साथ ही आपको ड्रैगन मिलता है जो कि टाइम रिवाइंड करने में आपकी हेल्प करता है, जिससे हम गेम को कंप्लीट कर सकते हैं। और बात करें ग्राफिक्स की तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। नंबर 4, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वेयरफेयर 3। ये गेम कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम है। इस गेम में जो आपको मेन कैरेक्टर मिलेगा जो कि गेम के एंड में घायल हो जाता है और उसके सीनियर उसे ट्रीटमेंट करने के लिए हिमाचल प्रदेश ले जाते हैं। इस गेम में इंडिया कल्चर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है और गेम के कैरेक्टर ठीक होने के बाद गेम का विलन इंडिया एरिया पे अटैक करता है और हमें उसे बचाना होता है। नंबर 5, टू ब्राइडर 3। ये गेम इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। इस गेम में आपको 5 लेवल देखने को मिलेंगे और जो हमारा कैरेक्टर है वो अलग अलग कंट्री को विजिट करता है। फर्स्ट लेवल में आपको इंडिया में विजिट करना होगा, जहां उसे इन्फ्लुएंडा स्टोन को ढूंढना होगा, जिसकी वजह से हमारा कैरेक्टर उड़ सकता है और इस स्टोन को गेम में ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है और इस पत्थर को ढूंढने के लिए हमें डेंजरस फॉरेस्ट प्लेसेस से गुजरना पड़ता है, जहां हम अलग अलग प्रकार के जानवर के साथ सर्वाइव करना है और उनसे बचना है। और ऐसे ही आपको अलग अलग लेवल में डिफरेंट डिफरेंट टास्क देखने को मिलेंगे और साथ ही अलग अलग कंट्री। और ग्राफिक्स की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी हैं। इस गेम को बनाने वाले ने इंडिया को बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।